हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है विकास 31 टेक। तो फ्रेंड्स, अगर आप व्हाट्सएप यूज़ करते हैं तो आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि आप अपने व्हाट्सएप पर अपने किसी भी फ्रेंड्स, फैमिली या रिलेटिव्स के व्हाट्सएप स्टेटस को कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको किसी का भी स्टेटस पसंद आता है, चाहे उसने पिक लगा रखी हो या कोई वीडियो लगा रखी हो, तो उसे आप कैसे अपने फ़ोन के अंदर सेव करेंगे, ये मैं आपको इस वीडियो में सिखाने वाला हूँ। इसमें मैं आपको किसी भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन के बारे में नहीं बताऊंगा और ना ही ये कहूँगा कि आप प्ले स्टोर में जाके कोई एप्लीकेशन डाउनलोड करें। इसमें मैं आपको सिर्फ एक ट्रिक के बारे में बताऊंगा जो आपके फ़ोन के अंदर ही है, जिससे आप किसी के भी व्हाट्सएप स्टेटस को अपने फ़ोन के अंदर डाउनलोड कर सकते हैं, उसे सेव कर सकते हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो इसे प्लीज़ सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन करें ताकि आपको मेरी नई नई वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, हम आ चुके हैं अपने मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर। इसमें मैं आपको सबसे पहले ये बता दूं कि आप व्हाट्सएप में स्टेटस कैसे देखते हैं किसी के भी। जैसे व्हाट्सएप पे क्लिक करा तो आप देख सकते हैं यहाँ पे तीन ऑप्शन होते हैं आपके सामने। चैट, यहाँ पे चैट होती है आपकी सारी, यहाँ स्टेटस और ये कॉल। यहाँ पर हम स्टेटस है, जैसे मैं कोई भी एक चला के दिखा देता हूँ आपको। जैसे ये वाला स्टेटस है, जैसे ये हमें पसंद आ गया तो इसे कैसे डाउनलोड करना है, या और भी कोई भी स्टेटस है, जितने भी स्टेटस हैं वो कैसे डाउनलोड करने हैं, अब मैं आपको वो बता देता हूँ। इसमें आपको यहाँ बैक कर देना है। अब इसमें आपको अपने फ़ोन के अंदर माई फाइल्स के अंदर जाना है, जहाँ पे आपकी माई फाइल्स का ऑप्शन होगा, ये माई फाइल्स लिखा हुआ है, इसके ऊपर क्लिक करना है आपको। तो आप देख सकते हैं आपके सामने ये स्क्रीन ओपन हो जाएगी। इसमें आपको यहाँ पर ये राइट कॉर्नर में 3 डॉट्स दिखाई दे रहे होंगे, इसमें आपको सबसे पहले इसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे आपको एक सेटिंग का ऑप्शन दिखाई देगा। इस सेटिंग वाले ऑप्शन के ऊपर आपको क्लिक करना है और यहाँ पे आपको स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा, शो हिडन फाइल्स। इसको आपको इनेबल कर देना है, अभी ये ऑफ है, इसे ऑन कर लेना है। जैसे मैंने इसे ऑन कर लिया, अब यहाँ से हमें बैक आना है। बैक आने के बाद आपको जाना है अपने इंटरनल स्टोरेज के अंदर, इसके ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद आपको इसमें सर्च करना है व्हाट्सएप का फोल्डर। यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करेंगे, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये व्हाट्सएप का ऑप्शन आ रहा है। इस पर क्लिक करके आप यहाँ पे देख सकते हैं काफ़ी सारे ऑप्शन आते हैं, ये हिडन फाइल्स हैं इसके अंदर, शेयर्ड, स्टिकर थम्स, डॉट थम्स, डॉट ट्रैश, बैकअप, और ये बैकअप डाटाबेस मीडिया है। तो हमें इसमें मीडिया के ऊपर क्लिक करना है और आप देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शन आ जाते हैं, व्हाट्सएप इमेजेस, डॉक्यूमेंट्स, ऑडियो, प्रोफाइल फ़ोटो, स्टिकर, एनिमेशन, गिफ्ट्स, और यहाँ पे वॉलपेपर भी हैं। और यहाँ पे सबसे ऊपर आपको दिखाई देगा ये स्टेटस का ऑप्शन, ये वो हिडन फाइल जो थी जिसको हमने शो करा था स्टार्टिंग में, उस सेटिंग को करने से ये ऑप्शन आता है। और इसको आप जैसे ही ओपन करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे वो सारे स्टेटस हैं आपके जो वहाँ पे डले हुए थे, यहाँ पे ऑटोमेटिक वो सारे स्टेटस आ चुके हैं, आप देख सकते हैं। तो यहाँ से इन्हें आप अपने फ़ोन के अंदर सेव कर सकते हैं। ये एक सिंपल सी ट्रिक है जिससे आप किसी के भी स्टेटस को अपने मोबाइल में सेव कर सकते हैं, उसे डाउनलोड कर सकते हैं। मैं आपको एक बार फिर बता देता हूँ आपको क्या करना है। आपको बैक आना है, सबसे पहले आपको अपने फ़ोन में ये माई फाइल्स का जो ऑप्शन है इसको क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे ये 3 डॉट्स का ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर क्लिक करके सेटिंग्स में आना है और इसको ऑन करके आपको शो हिडन जो फाइल्स का होता है ये ऑफ होगा, इसको ऑन कर लेना है। उसके बाद बैक करके आपको व्हाट्सएप फोल्डर में जाना है और वहाँ से आपको मीडिया के अंदर स्टेटस वाले ऑप्शन में जाना है जो सबसे ऊपर आएगा, और वहाँ से आपको ईजिली आप उसे किसी के भी स्टेटस को डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद आप इसे हाइड कर दें, ठीक है, और फिर बैक कर लें। तो ये इस ट्रिक से आप अपने किसी के भी स्टेटस को अपने फ़ोन के अंदर ईजिली डाउनलोड कर सकते हैं और उसे सेव कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आ गई होगी और आपने सीख लिया होगा कि आप किसी के भी स्टेटस को अपने फ़ोन के अंदर कैसे सेव कर सकते हैं, कैसे उसे डाउनलोड कर सकते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो इसे लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।